आप देख रहे हैं ग्रीमा टाइम्स। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत हरियाणा के तमाम मंत्रियों और अन्य ऊंची कुर्सी वालों को शायद पता चल ही गया होगा कि रोहतक में उनके विश्राम स्थल यानी कैनाल रेस्ट हाउस पर ताला लटक गया है। ताला भी ऐसा कि मुख्यमंत्री स्वयं भी आ जाएं तो भी कर्मचारी नहीं खोल सकते। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर कैनाल रेस्ट हाउस की संपत्ति कुर्क कर ली गई और ऐसा हुआ सिंचाई विभाग के अफसरों की लापरवाही से, जिन्होंने कोर्ट के आदेशों को कुछ समझा ही नहीं। न्यायाधीश ने लापरवाह अफसरों को यह सबक एक चतुर्थ कर्मचारी को न्याय नहीं देने के संबंध में सिखाया। जैसा ही यह खबर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में पहुंची तो शोर मच गया। आप भी देखिए वीडियो ताकि समझ सके कि ऐसा क्यों हुआ। ये फर्स्ट हाउस की चाबी है जी। क्या करने आए थे आप लोग? ये कुड़क खड़ा है जी, कोर्ट के ऑर्डर से। क्यों कुड़क कुड़क किया था? कोई केस चल रहा है जी कोर्ट हमारी, वो सभी कोर्ट में उस केस में। अच्छा, आज ताला लगा दिया अपने? आज कमरों को ताला लगा दिया जी, 11 कमरों को जी ये लगाया। कितने कोर्ट के आदेश होंगे, कितना फूट कराएगा जी? ये कृष्ण कुमार इरीगेशन डिपार्टमेंट में एज ए क्लास 4 एम्प्लॉय काम करता था। इसको 2008 में इलीगली टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन के बाद इसने लेबर कोर्ट में केस फाइल किया। लेबर कोर्ट ने इसके हक में अवार्ड पास कर दिया विद कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस एंड बैक वेजेस फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड। उसके बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट ने इसको कंप्लाई विद नहीं किया जो कोर्ट की डिग्री थी। उसके बाद इसने एग्जीक्यूशन फाइल की लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। तो अब जो मौजूदा जज हैं श्री हरीश गोयल जी, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एक्शन और एसडीओ पिछली डेट पर 2-3 डेट पर आए और करीबन 6-7 मौके उनको दिए इस ऑर्डर को कंप्लाई विद करने के बाद। तो कोर्ट के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो लास्ट में फिर कोर्ट के पास में कोई रास्ता बचा नहीं, तो फिर हमने एक एप्लीकेशन लगाई के साथ इरीगेशन डिपार्टमेंट का कैनाल रेस्ट हाउस है जब तक ये डिग्री इम्प्लीमेंट ना करें। तो आज कोर्ट ने हमारी अर्जी को स्वीकार करते हुए और ये रेस्ट हाउस जो है ये अटैच कर दिया, और जब तक अटैच रहेगा जब तक ये ऑर्डर कम्प्लाई विद नहीं होगा। खबरों के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स टीवी और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।